हाउ टू पे इलेक्ट्रिसिटी बिल बाय पे टी एम ऐप इन टू तो 2021 में इस स्टेप को किस तरीके से अप्लाई करना है और अपने जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसका पेमेंट ऑनलाइन आपको पे टी एम ऐप के थ्रू किस तरीके से करना है इन 2021. थाउजेंड ट्वेंटी बेसिकली यहाँ पर ये फ़र्स्ट टाइम मैं इसके रिलेटेड टॉपिक कवर नहीं कर रहा हूँ इसके पहले भी मैंने दो वीडियो कवर किया था जिसमें मैंने आपको फ़ोन पे से अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे पे करना है वो मैंने कवर किया था और सेकंड मैंने गूगल पे से भी अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल किस तरीके से पे करना है वो भी मैंने कवर किया था इफ़ यू गायज़ आर लुकिंग फॉर दैट काइंड ऑफ वीडियो दैन कैन चेक इट आउट इन वीडियो सेक्शन दैट आई ऑलरेडी अपलोडेड इन जस्ट लास्ट मंथ बट नाउ द टर्न टू यूज़ पे टी एम एप एंड यहाँ पर अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल पेटीएम ऐप के थ्रू भी आप इजीली पे कर सकते हैं इन 2021 थाउजेंड ट्वेंटी वन यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल को अगर आपको ऑनलाइन कोई भी प्लेटफॉर्म का यूज़ करके अगर आपको पे करना है तो आपको तीन चीज़ पता होना चाहिए पहला आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल का कंज्यूमर नंबर सेकंड आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल bill का बिलिंग यूनिट नंबर और तीसरा आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो कौन सी कंपनी का इलेक्ट्रिसिटी बिल है दैट्स इट ये तीन चीज़ आपको पता रहना चाहिए और ये तीनों भी चीज़ आपको ईजीली इलेक्ट्रिसिटी बिल पर ही अवेलेबल मिल जाएगी सो so नाओ ये जो टॉपिक है स्पेशली फॉर मैं बिगिनर्स के लिए कवर कर रहा हूँ जो फर्स्ट टाइम ऑनलाइन पेमेंट का यूज़ कर रहा है अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल को पे करने के लिए तो यहाँ पर अगर मैं कंपेयर करूँ पेटीएम को फ़ोनपे और गूगल पे से तो यहाँ पर गूगल पे ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू पेटीएम और फ़ोन पे एस व माई एक्सपीरियंस दैट्स एट सो so, अभी यहाँ पर ये तो कुछ नॉर्मल सी बात है अब यहाँ पर अगर आपको पे करना है तो पहले मैंने आपको तीनों चीज़ बताया था कंज्यूमर नंबर बिलिंग यूनिट नंबर और यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल कौन से कंपनी का है वो तो तीनों चीज़ आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल पर अवेलेबल मिल जाएगा तो लेट मी शो यू तो पहला चीज़ यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आपका कौन सी कंपनी का है वो आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल पर मिल जाएगा जैसे कि मेरा महाराष्ट्र का है महावितरण सेकेंड चीज कंज्यूमर नंबर वो है ग्राहक क्रमांक एज़ यू कैन सी ये ग्यारह से बारह डिजिट का कंज्यूमर नंबर होता है ये दूसरा चीज़ हो गया जो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे मिल गया अब बारी है तीसरे चीज की वो है आपका बिलिंग यूनिट नंबर तो ये इलेक्ट्रिसिटी बिल का जो एंड पेज होता है नीचे के साइड का बॉटम वहाँ पर आपका बिलिंग यूनिट नंबर मिल जाता है फोर है ये बिलिंग यूनिट नंबर मतलब ये एरिया का एक कोड होता है इलेक्ट्रिसिटी बिल का तो जो भी आपका एरिया का नाम होगा जैसे कि मुंबई एक सिटी हो जाता है उसके बाद थाना आ जाता है बोरीवली आ जाता है राइट उस थाने के अंदर भी ऐसे कई सारे प्लेस एरिया के नेम आते हैं जैसे कि गोपाल नगर लोकमान्य नगर एक्सेट्रा इंदिरा नगर ऐसे ऐसे नगर आ जाते हैं तो हर एक नगर का अलग अलग बिलिंग यूनिट नंबर होता है जैसे कि मेरे एरिया का ये बिलिंग यूनिट नंबर है फोर फाइव नाइन वन डैट्स इट इवन आपको ग्राहक जो कंज्यूमर नंबर है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा अब यहाँ पर जो मेरा बिलिंग जो मेरा बिल आया है वो है फ़ाइव फिफ्टी रुपीज़ अब मैं इसको पे करूँगा पे ऐप का यूज़ करके सो लेट मी शो यू तो इसके लिए आपको डायरेक्टली जाना अपने पेटीएम ऐप्स में फ्रॉम हेयर एंड उसके बाद यहाँ पर आपको फीचर्स में ही ऐप एक ऑप्शन मिल जाएगा इलेक्ट्रिसिटी का एज़ यू कैन सी जस्ट आपको इस पर टैप करना है अब उसके बाद यहाँ पर आपको चूज़ करना है आपका स्टेट जो भी आपका स्टेट है एंड देन उसके बाद यहाँ पर आपको बोर्ड सिलेक्ट करना है यानी कि कौन सी कंपनी का आपका बोर्ड है जैसे कि मैंने शो किया था मेरा जो है महावितरण एज यू कैन सी और इसके बाद यहाँ पर आता है आपका वो बिलिंग यूनिट नंबर ये जो डिविज़न नंबर है ना इसको ही बिलिंग यूनिट बी यू मीन्स बिलिंग यूनिट डिवीजन सब डिविजन्स सब एक ही मीनिंग होता है सो so मैंने जो बताया वो था मेरा फोर फाइव नाइन वन तो यहाँ पर ये डिजिट वाइज में होता है तो लेट्स में अपना बिलिंग यूनिट एम यहाँ पर इंटर कर लेता हूँ

वो कौन से डेट को पब्लिश किया था उसका बिल डेट क्या है ड्यू डेट क्या है वो पूरा आपको यहाँ पर शो करेगा और साथ ही में आपको यहाँ पर आपका बिल का अमाउंट भी शो करेगा ऑटोमेटिकली ये सब आपको इंटर करने की ज़रूरत नहीं है जैसे आप तीनों चीज़ एकदम राइट फिल करेंगे पेटीएम में ऑटोमेटिकली प्रोसीड पे टैप करने के बाद ये वाला ऑप्शन आ जाएगा जो कि आपका बिल का एग्जैक्ट डिटेल आ जाएगा कितना बिल है और इसके बाद अगर आपने फ़र्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम जब आपने पेटीएम का यूज़ करके अपना कोई भी बिल पे किया उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम ऑटोमेटिकली जब आपका बिल जनरेट होगा ना तो पे की तरफ से आपको मैसेज आएगा कि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल इतना आया है इतना अमाउंट है इसका ड्यू डेट ये है आप पे कर दीजिए ये ऑप्शन आपको पेटीएम में सेकेंड टाइम आएगा जब भी आप अपना फर्स्ट टाइम बिल पे करेंगे पे टी एम ऐप के थ्रू उसके बाद सेकेंड आपको यह ऑप्शन आएगा ऑटोमेटिकली आपको पे जो बता देगा कि आपका बिल अमाउंट ये मंथ का इतना आया है तो आप ऑटोमेटिकली बिना आप अगर वो बिल आपके घर पे आता भी नहीं है तो भी ऑटोमेटिकली आपको पेटीएम बता देगा तो ये ये जो फीचर है इसे पेटीएम में नहीं इवन फ़ोन पे गूगल पे में भी आपको ये ऑप्शन देखने को मिलता है विच इज़ कम्प्लीटली यूजफुल एंड अमेजिंग देन इसके बाद यहाँ पर आपको प्रोसीड टू पे वाले ऑप्शन पर टैप करना है टैप करने के बाद यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ यहाँ पर आप अगर आप डिजिटल फॉर्म का यूज़ करके अगर आप कोई अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल गैस सिलेंडर पे करते तो पे टी एम और फ़ोन पे गूगल पे में भी आपको ऑफ़र्स का बेनिफिट मिलता है तो ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर मेरे केसेस में कोई भी ऑफर्स नहीं है बिकॉज मैंने लास्ट टाइम इस ऑफ़र का एडवांटेजेस लिया था तो मेरा अराउंड अगर मैं कहूँ तो मेरा तो कुछ ट्वेल्व हंड्रेड रुपीज़ का बिल आया था जिसमें मुझे पे की तरफ से ऑफ़र मिला था जिसमें मुझे ऑलमोस्ट थ्री हंड्रेड तो टू फोर हंड्रेड रुपीज़ का कैशबैक मिला था विच इज़ कम्प्लीटली यूज़फुल तो मेक श्योर sure अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज़ करके पेटीएम फ़ोन या गूगल पे का यूज़ करके अगर अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं तो पहला प्रायोरिटी आपको ऑफर्स पे देना है बिकॉज ऑफर्स का आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजेस मिल रहा है मुझे दो से तीन बार यहाँ पर ऑफर्स का एडवांटेजेस मिल गया है मैंने ऑलमोस्ट छः बार पेटीएम ऐप का यूज़ करके अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया जिसमें से मुझे दो से तीन बार ऑफर्स मिला ही है हंड्रेड परसेंट तो ओबीसी बात है आपको भी मिलेगा फिलहाल अभी मेरे केसेस में कोई भी ऑफर नहीं है और ये एक तरीके से बेसिक सा ऑफर है लेकिन मुझे इतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं लग रहा है इसलिए मैं अप्लाई नहीं करूँगा बट इट्स ऑलअब टू यू आप इसको अप्लाई भी कर सकते हो तो ऑफर्स आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ मिलेगा तो फिलहाल मैं अप्लाई नहीं कर रहा हूँ तो इसलिए मैं डायरेक्टली पॉजिट टू पे वाले ऑप्शन पर टैप करूँगा तो अभी यहाँ पर देखो मुझे पे की तरफ से एक और ऑफर आया है यू का कि अगर मैं अपना बैंक अकाउंट डिटेल यहाँ पर ऐड करूँगा तो मुझे यू पी आई यहाँ पर यहाँ लेके सेवन हंड्रेड रुपीज़ का कैशबैक बैक मिलेगा यासा इसलिए आ रहा है बिकॉज मैंने अपना बैंक अकाउंट यहाँ पर ऐड नहीं किया है मैं हमेशा अपने डेबिट कार्ड का यूज़ करके यहाँ पर पेमेंट करता हूँ तो यहाँ पर मैं बैंक अकाउंट डिटेल ऐड नहीं किया इसलिए मुझे सेवन हंड्रेड्रेड का कैशबैक आ रहा है अगर मैं अपना बैंक अकाउंट डिटेल ऐड करूँगा और बैंक अकाउंट के यू के थ्रू अगर पेमेंट करूँगा यहाँ पर तो मुझे सेवन हंड्रेड का कैशबैक मिलेगा राइट ये बिल्कुल राइट है तो अभी सी बात इसलिए मैं आपको कहता हूँ ऑफलाइन मेथड का यूज़ मत करो ऑनलाइन मेथड का यूज़ करके आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल गैस बिल वाटर बिल आप पे करिए कैशबैक का यहाँ पे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा अब उसके बाद यहाँ पर आप पेमेंट कर सकते हैं एज यू कैन सी एंड डेबिट कार्ड का यूज़ करके आप पेमेंट कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड भीम यू पी नेट बैंकिंग तो यहाँ पर मैं एक आपको बोनस टिप देना चाहता हूँ बोनस जो आपको ध्यान से समझना है अगर आप कोई भी डिजिटल पेमेंट ऐप हो चाहे वो पेटीएम हो फ़ोनपे हो गूगल पे हो अगर आप उसको फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम ही यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको कभी भी अपने बैंक अकाउंट का यूज़ करके पेमेंट नहीं करना है ना ही डेबिट कार्ड ना ही क्रेडिट कार्ड सिंपल सा नेट बैंकिंग का ऑप्शन आपको चूज करना है अगर आप फ़र्स्ट टाइम और लास्ट टाइम डिजिटल पेमेंट ऐप का यूज़ करके पेमेंट करना चाहते हैं तो ये मैं आपको आपके सिक्योरिटी बेसिस के हिसाब से कह रहा हूँ मेरे एक्सपीरियंस बेस के हिसाब से तो बिकॉज मैं ऐसा है कि अगर आपने बैंक अकाउंट डिटेल ऐड करिया तो बाई चांस आपको कभी ना कभी पे, पे ये जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनसे कहीं ना कहीं आपका अमाउंट माइनस होता ही होता है और ये मेरे एक्सपीरियंस बेस के हिसाब से कह रहा हूँ तो हाईली रिकमेंड है आप यहाँ पर अगर आप फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम यूज़ करें तो आप फिर नेट बैंकिंग ऑप्शन चूज़ करें तो मेरे केसेस में यहाँ पर मैं जो मेरा एच डी एफ सी बैंक का जो डेबिट कार्ड है मैं उस डेबिट कार्ड का यूज़ करके यहाँ पर पेमेंट करने वाला हूँ बिकॉज मेरा डेबिट कार्ड का जो इन्फॉर्मेशन है वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे फिल किया है तो डायरेक्टली मैं डेबिट कार्ड का ऑप्शन यहाँ पे चूज करूँगा अब यहाँ पर मुझे फिर से डेबिट कार्ड फिर का डिटेल ऐड करने की ज़रूरत नहीं बिकॉज यहाँ पर मैंने ऑलरेडी डेबिट कार्ड का यूज़ करके पेमेंट किया है तो अभी बस मुझे यहाँ पर अपना सी वी वी नंबर एंटर करना है उसके बाद पे वाले ऑप्शन पर टैप करना है तब तो इसके बाद मेरे उस रजिस्टर्ड बैंक नंबर पर मुझे एक ओ आएगा वो ओ जैसे मैं एंटर करूँगा मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट पे ऐप के थ्रू कम्प्लीट हो जाएगा सो लेट मी शो यू सो नाओ एज यू कैन सी मेरे इस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मुझे ओ टी आया है एंड ये ओ जो मुझे आया है वो मुझे बस यहाँ पर इंटर करना है जस्ट फॉर द सिक्योरिटी पर्पज़ कि ये एक्टिविटी आप ही कर रहे हैं कि नहीं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नॉट डोनो इट देन इसके बाद सबमिट ऑप्शन पे टैप कर लेना है सो फाइनली अब इसके बाद यहाँ पर आपको पेटीएम की तरफ से एक आपको कैशबैक का भी बेनिफिट मिलता है तो फिलहाल मैं इसे स्किप करता हूँ okay, ओके तो ये मुझे कैशबैक मिला है दैट्स इट तो फाइनली मेरा पेमेंट यहाँ पे डन हो चुका है एंड एड एजिक्स फाइव फिफ्टी रुपीज़ मेरे अकाउंट से माइनस हो चुका है एंड मेरा जो इलेक्ट्रिसिटी बिल का जो पेमेंट है फाइव फिफ्टी रुपीज़ लेट मी शो यू वंस अगेन फाइव फिफ्टी रुपीज़ ये मेरा यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल का पे कर दिया है पे ऐप का यूज़ करके तो गैस ये था इसी तरीके से आप अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग पेटीएम ऐप इन 2021 अगर आपको अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते वक्त कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है कुछ भी तकलीफ़ आ रहा है सो यू गैस कैन आस्क मी इन कमेंट इन कमेंट सेक्शन बिलो एंड आई डेफिनेटली गोना रिप्लाई टू यू विद इन ट्वेंटी आवर सो दिस इज़ द वे टू पे इलेक्ट्रिसिटी बिल इन टू बाय यूजिंग पेटीएम ऐप थैंक यू हैव अ गुड डे